वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स संतोषी और आज का ब्लॉग ब्लॉग नहीं है आज स्टडी मटेरियल पे बात करेंगे हम लोग जैसा कि मैंने एक पोल दिया था यूट्यूब कम्युनिटी पे कि मुझे क्लासेज स्टार्ट करने चाहिए कि नहीं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड रहा उसका तो मैंने सोचा क्यों ना उससे उससे भी आ, एक इनिशिएटिव लिया जाए कि क्यों ना मैं उसको टीच करूँ एंड हेयर मैं एक वीडियो के साथ स्टार्ट कर रही हूँ और इस वीडियो को बनाने के बाद जब ये अपलोड होगा तो अगर इसमें अच्छे रिस्पॉन्ड होंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगी इसी तरह वीडियो डालना और अगर अच्छे रिस्पॉन्ड नहीं रहे तो फिर मैं नहीं कंटिन्यू करूँगी मैं अपने जैसे ब्लॉग्स डालती हूँ वैसे ही डालूंगी अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं आप लोग बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड दे रहे हो इस वीडियो को देन तो मैं और भी ऐसे टॉपिक्स लाऊंगी ताकि आपको हेल्प हो सके थैंक यू सो आज का वीडियो है काफ़ी कॉमन टॉपिक स्टेजेस ऑफ चाइल्ड हुड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड ये मैं आज के पहला वीडियो होगा ये मेरा और उसके बाद आपको और भी इससे रिलेटेड मिलते जाएंगे सो लेट्स गेट स्टार्ट एट सो आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ये स्टेजेस चाइल्ड के डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ का होगा जिसमें पांच बेसिकली हम लोग बढ़ेंगे प्री नाइटल पीरियड जिसमें नाइन मंथ बिफोर बर्थ जब वो गर्भावस्था में होता है बच्चा दैट मीन्स जब वो अपने मदर के वम में रहता है उसको प्री नाइटल पीरियड्स बोलते हैं इन्फेंसी बर्थ के बर्थ से लेकर दो साल तक इन्फेंसी पीरियड कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड दो से छ साल तक लेटर चाइल्डहुड सात से ग्यारह साल तक और एडोल्सन बारह से उन्नीस साल तक को कहते हैं सो so, पहला जो हम लोगों ने प्री नाइटल पीरियड पढ़ा उसको पढ़ते हैं प्री नाइटल पीरियड टाइम इज बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ जब वो मॉम के आ, गर्भ में रहता है यानी गर्भावस्था को कहते हैं उस टाइम को प्री नैटल कहते हैं बेबी अंदर ही अंदर अपने माँ के गर्भ में डेवलप करता है एंड दिस पीरियड हैज थ्री स्टेजेस इसमें तीन स्टेजेस होते हैं जर्मिनल स्टेज जिसमें जीरो से टू वीक्स तक होता है एम्ब्रम्ब्रॉनिक इंग्रॉ, इं, स्टेज जिसमें तीन से आठ वीक तक होता है और फैटल स्टेज जिसमें नौ वीक से बर्थ तक का होता है सो होप ये टॉपिक आपको ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट सेकेंड इन्फेंसी फैंसी न्यू बॉर्नस टू टू ईयर्स ओल्ड जिसमें बच्चा लर्न टू क्रीप क्राउल स्टैंड एंड चिट इसमें बच्चा क्राउल करने लगता है और स्टैंड करने लगता है और बैठने लगता है साथी. साथ ही साथ चीज़ों को होल्ड भी करने लगता है कैन रिकोगनाइज पेरेंट्स एंड सिबलिंग इन्फेंसी पीरियड में दो साल तक के बच्चे अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहनों को भी वो पहचानने लगता है नेक्स्ट थर्ड वन इज अर्ली चाइल्ड हुड कॉम्प्रोमाइज टू ईयर्स टू सिक्स ईयर्स ओल्ड नॉट एक्सपोज टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन स्टार्टिड गोइंग टू प्री एजुकेशन और प्ले स्कूल इस स्टेज में बच्चा स्कूल ना जा स्कूल पूरी तरीके से नहीं जाता डैट मीन्स कि स्कूल के लिए वो एलिजिबल नहीं होता इसलिए शुरुआत में वो प्ले स्कूल जाता है प्री स्कूल जाता है कुछ बेसिक्स एजुकेशन को लेने के लिए ऑब्जर्व देयर एल्डर्स कार्टून कैरेक्टर्स और अदर पीपल होम दे इंटरेक्ट एंड इमिटेट देयर बिहेवियर इसमें बच्चा क्या करता है कार्टून कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करता है अपने बड़ों का बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है साथ ही साथ उनकी उनके बातों को भी इमिटेट करता है रटता है सीखता है और उसको रिपीट करता है इसलिए कहा जाता है बच्चों के सामने आप जैसा बोलोगे वो वैसा ही सीखेंगे वो बिल्कुल तोते की तरह होते हैं उस समय उनका दिमाग उतना डेवलप नहीं होता कि वो अपने सूझबूझ से काम करें नेक्स्ट लेटर चाइल्डहुड पीरियड जिसमें सात से ग्यारह साल का बच्चा होता है जिसमें एज अ चिल्ड्रन स्टार्ट गोइंग टू स्कूल एंड देयर दिस स्टेज इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्कूल स्टेज इसमें बच्चा क्या होता है स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है और इस स्टेज को एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है और इस स्टेज में ट्रबल सम स्टेज कहा जाता है इस स्टेज को ऑल्सो नोन एज ट्रबल सम स्टेज इसमें उन्हें प्रॉब्लम दिक्कत भी आता है इसलिए इसको ट्रबल सम स्टेज कहा जाता है फिर वॉट एवर चाइल्ड लर्न एट दिस स्टेज ग्रेटली इन्फ्लुएंस द चाइल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ जो बच्चा इस एज में सीखता है उसके वो पूरे लाइफ को उसको अफेक्ट करता है वो काफ़ी ज्यादा इसमें इन्फ्लुएंस होते हैं जो बच्चा इस उम्र में सीखते हैं इंक्रीजिंग अटेंशन स्पैन ऑफ कंसेंट्रेशन उनका अटेंशन में इंक्रीजमेंट होता है कंसेंट्रेशन में इंक्रीजमेंट होता है क्रिएटिव पोटेंशियल्स ऑफ द चाइल्ड बिगिन एट दिस स्टेज और इस स्टेज में बच्चे का क्रिएटिव पोटेंशियल्स स्टार्ट हो जाता है बच्चा बहुत क्रिएटिव होने लगता है चीज़ों पे एक्सप्लोर करने लगता है आप इसको ये कह सकते हो कि बच्चे को इस उम्र में सात से ग्यारह की उम्र में बच्चों को बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता है इन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद देयर पीयर ग्रुप्स दैन देयर पेरेंट्स और इस एज में ही बच्चे ज़्यादातर अपने घर वालों से दूर रहना पसंद करते हैं और अपने पीयर ग्रुप्स यानी अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं वो धीरे धीरे एडोल्सन की एज में जाते हैं जिसके वजह से ये सारी चीज़ें उनके अंदर आती हैं जो हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को कि ऐसे ऐसे कर रहा है बट वो उनका नेचुरल है वो होता ही होता है उस एज में नाउ एडोल्सन फिफ्थ वन बारह से उन्नीस साल तक दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉक इस स्टेज को आंधी तूफान और स्ट्रेस का एज कहा गया है और एडोल्सन एज से ही आप समझ रहे हो क्यों कहा गया है क्योंकि जो भी यहाँ पे पढ़ रहे होंगे बीएड उनको पता होगा वो एज कितना क्रूशियल होता है और कितना ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी होता है मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ अ पर्सन लाइफ ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल फेज होता है एक पर्सन के लाइफ में ऑल्सो फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इसमें बच्चे को काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाती है वो चीज़ दूसरों से एडजस्ट नहीं कर पाते इन दिस स्टेज अ पर्सन मस्ट मूव फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी इस स्टेज में बच्चे ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि वो ऑटोनॉमी मीन्स उनका सब सुने वो किसी पे डिपेंड ना रहे वो अकेले अपना चीज करना चाहते हैं ऑल्सो स्टेज ऑफ अनरियलिज्म मतलब ऐसा स्टेज है जो रियल नहीं है बट अन में वो लोग चलते हैं ये करेंगे बहुत ख्याली पलाव टाइप वाले लोग बच्चे हो जाते हैं इस समय उनका अलग अलग ही सपना होता है इस टाइप से तो ये था पांचों स्टेज को मैंने डिफाइन किया है और uh, एडोल्सन स्टेज का फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है इसमें ही मैं इंक्लूड uh, नहीं करूंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपके uh, बताऊंगी सो ये आपको स्टेजेस इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो टॉपिक था वो कैसा लगा हाँ काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेड है नोट लेकिन आप और इसको बेटर तरीके से लिखना ये मैंने जस्ट अपने समझने के लिए अपने टाइम पे लिखा था और मैंने उसको कोशिश किया है कि आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करूँ सो थैंक्स होप यू लाइक दिस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट भी कर देना थैंक